ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 15/2/12 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है मीठे बच्चे सदा ज्ञान की मस्ती में रहो तो भविष्य नई दुनिया के ख्यालात सतही बुद्धि में आते रहेंगे। जितना जितना हम हर्षित मुख रहेंगे, प्रसन्न चित्त रहेंगे और ज्ञान की मस्ती में रहेंगे तो बाबा कहते हैं ये भविष्य के नजारे जो है ना सामने हमारे अपने आप आते जाएंगे। प्रश्न है, देव पद प्राप्त करने वाले बच्चों को कौन सी बात अपने अंदर से निकाल देनी चाहिए? हाँ, जो देवता बनने वाले बच्चे हैं ना उनको कौन सी बातें रखनी है, कौन सी निकाल देनी है, इसका भी ज्ञान अति आवश्यक है। तभी तो हम निकालेंगे बातों को और जो धारण करने योग्य है उसे हम धारण करेंगे। तो प्रश्न का उत्तर है, अभी तक जो देह अभिमान की दुर्गंध है इस दुर्गंध को निकाल दो। ये जो बांस है ना बाबा कहते वो निकाल दो। इस पुराने शरीर में मोह नहीं रखो क्योंकि इस पुराने रोगी शरीर को तो छोड़ना ही है। तुम मंदिर में बैठने वाले देवता बनते हो तो देवताओं में ये बातें नहीं होनी चाहिए। बाबा को बच्चों का देह अभिमान बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए बच्चे देही अभिमानी भव। अच्छा गीत बहुत प्यारा बजा है, भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला, कोई और नहीं। धारणा का सार, नंबर एक है, बाप के फरमान पर कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। स्वयं में जो कांटे हैं उन्हों को भी निकाल देना है और खुशबूदार फूल बनना है। नंबर दो धारणा, ईश्वरीय मत पर चल, बाप की आशीर्वाद का पात्र बनना है, काल पर जीत पानी है। वरदान है आज का, सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति के द्वारा सदा सफलता का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो तो शक्तियां भी सदा साथ रहेंगी और जहां सर्व शक्तियां हैं वहां सफलता न हो ये तो असंभव है। लेकिन यदि बाप से कंबाइंड रहने में कोई कमी है, माया कंबाइंड रूप को यदि अलग कर देती है तो सफलता भी कम हो जाती है, मेहनत करने के बाद सफलता मिलती है। मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे सफलता तो आगे पीछे घूमती है। हाँ बाबा कहते हैं वो तुम्हारे चरणों की फिर दासी बन के रहेंगी। स्लोगन है, सबकी दुआएं लेनी है तो हाजी करते हुए सहयोग का हाथ बढ़ाते चलो। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।